क्योंकि जब दूसरे गांव से लोगों के वोट बना के इन्होंने जीता है, बोगस जीता है, ये हम हार नहीं मानते। हमारा जो कैंडिडेट हारा है बल्कि जो उनके हिसाब से है, मगर हमारे कांग्रेस के हिसाब से, हमारे जो बीजापुर के लोगों के हिसाब से हमारा कैंडिडेट हारा नहीं। हमारा कैंडिडेट आज भी MLA है, कल भी MLA रहेगा। तो क्योंकि हमारी एक जगह ये हारने से हमारी पूरी पार्टी, पूरा पार्टी जो है वो पूरा चुन के आई, पूरा कांग्रेस सरकार होगी, तो इसमें ये लगता है कि हमने जो काम किए हैं, जो वादे किए हैं, वो पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये हम DC साहब को बताया, जिस तरह से बोगस वोट का जो बोलते हैं, जो दूसरे गांव के लोगों को लगाकर चिंचोली से, टैंडी से, जमकंडी से और यहाँ पे बाजू बाजू सिंधी से, सब जगह लोगों से, इनकी फैक्ट्री, इनकी स्कूल जहाँ जहाँ से है, सब लोगों के सिबंदी जो काम करते हैं उनके वोट बना के ये बोगस वोट कराए। क्योंकि शामिल जब अधिकारी नहीं होते तब तक ये काम नहीं होता, अधिकारी शामिल होने की वजह से ये काम हुआ है, उनकी हुकूमत से काम हुआ है। अब जब तक इनको न्यायंग तनकी नहीं होती, इनके पास आज कॉरपोरेशन हुआ है, तहसीलदार है, क्यों इनके पास ताकत अगर है तो आज क्यों नया इन्होंने होटल लिस्ट बना सकते। तो नया होटल लिस्ट बनाने के बाद इनको पता चलता है कि कितने बोगस हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो यहाँ पे कालेबाग में देख सकते हैं कि कालेबाग में 100 से 150 घर हैं, मगर वहाँ 1200 वोटिंग होती है। ये वोटिंग कहाँ की हुई, किधर की हुई, इस जगह से हुई, जबकि वो मेरा मत क्षेत्र होता है, मेरा मत क्षेत्र में उतने वोटिंग नहीं हुई, जबकि कॉरपोरेशन में 650 वोटिंग नहीं हुई। तो इस बार कैसे वोटिंग हो सकती है? सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं जो बोगस वोटिंग का, फेक वोटिंग का, इसके पास आपके पास क्या प्रूफ है? पूरे सबूत हैं, पूरे सबूत DC को भी दिए हैं और प्रेस में भी दिए हैं। अब ये देने के बावजूद भी इन्होंने तनकी अगर करेंगे तो तनकी, जब चोरी ही तनकी कैसे करेगा? जब चोर किया तो मैं चोरी कराऊँ करके कोई चोर बोल सकता है क्या? जब तक पुलिस डंडा नहीं मारेगी तब तक कुछ और कबूल नहीं होता। इसलिए अधिकारी जो है ना, इनके ऊपर एक न्यायंग तनकी नहीं करते, ये तुमको सत्यांश मालूम नहीं पड़ता। न्यायंग तनकी हो दे, ये कौन चोरी किया, कौन नहीं किया, मालूम पड़ जाता है। सर, आपका जो आरोप है किन किन अधिकारियों पर है? ये जो तहसीलदार हैं, AC हैं, ये जिनके उनके अंडर में काम करते हैं, BLOs जो हैं, ये सब लोग मिलजुल के काम कर चुके हैं, तो इनके ऊपर, सबके ऊपर तनकी होना चाहिए। सर, जिलाधिकारी को जो आपने मनवी दी है उस पर जिलाधिकारी साहब ने क्या कहा? जिलाधिकारी भी बोले हैं, हम उनको यही बोले कि तुम जिला मैजिस्ट्रेट हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास नया मंगनी आए, अगर तुम नया दे सकते हैं तो नया दीजिए, इनके ऊपर सबके ऊपर तनकी कीजिए। तनकी करने के बाद सत्यांश जो होता है, जब उनको उनको क्या करना है, उनकी सजा उनको दे दो। हम बोले तो जिलाधिकारी बोले कि मैं करूँगा बोल के बोले, हम उनके ऊपर यकीन रखते हैं, मगर वो भी क्या करेंगे, क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनको भी देखना है। सर, इस मामले को लेकर आप क्या सड़क पर उतरेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे या दोनों करेंगे? हम सड़क पर भी उतरेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो भी जाएंगे, उसके ऊपर हम न्यायंग तनकी मांगेंगे और हमें न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक हम कोशिश लगातार करते हैं। सर, और एक आखिरी सवाल है, जो हमीद मुशरफ साहब को वो MLC बनाने की जो मांग उठ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कल या परसों ही प्रेस किया हूँ, मैं उनको किसी सूरत में MLC बनाना और हमारे पूरे जो मत क्षेत्र को अन्याय हुए वो अन्याय सही प्रदर्शन कर बोलते उनको बोले हैं। तो आज हमें, आज भी हम ये मांग करते हैं कि हमें तो सिर्फ को MLC देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मतदार जो हैं 86,000 लोग हैं, उनको वो MLC दिए सर का होता है, क्योंकि यहाँ पूरे 6 MLA हमारे कांग्रेस के जीते हैं, 6 MLA में माइनॉरिटीज के वोट लेके जीते हैं, तो 6 MLA के मिलकर भी उन्हें ताकत लगा के उनके भी मैं मनवी करता हूँ, 6 जना मिला के आज हमीद मुशरफ को उनको MLC कराना जरूरी है और वो कराएंगे, ऐसी उम्मीद भी रखता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रजाक फर्ती है, महानगर पालिका के सदस्य, बीजापुर।